हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिचा सुतार में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कटहल की सब्जी कैसे बनाई जाती है, कटहल की मसाले वाली सब्जी। तो अधिकतर दोस्तों क्या होता है कि हम सब्जी बनाते तो हैं लेकिन उसमें कच्चापन रह जाता है। तो आज मैं आपको यही एक बेस्ट ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे हमारी सब्जी में कच्चापन नहीं रहेगा और वो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। और आप चाहते हैं कि हमारी सब्जी में कच्चापन ना रहे तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि भाई सब्जी में ऐसी क्या कमी रह जाती है जिससे सब्जी हमारी कच्ची कच्ची लगती है, उसमें लहसुन पका हुआ नहीं लगता है। तो यही आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक कटहल लिया है, ये 250 ग्राम कटहल है। तो इसे हम काट लेंगे। काटने के लिए हमें सबसे पहले चाकू और थाली पे तेल लगाना होगा और अपने हाथों पे भी तेल लगा लेंगे ताकि इसमें से जो दूध निकले वो हमारे हाथों के ना चिपके। तो चलिए हम इसे काट लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कढ़ाई में हम एक कप तेल डालेंगे। अच्छे से गर्म होने देंगे इसे। अब हम इसमें ये कटहल के पीसेस डालेंगे। इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। तो देखिए, यहाँ तक हमें कटहल को भूनना है। अब इससे हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम ये जो एक्स्ट्रा तेल है उसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे।
अब हम इसमें डालेंगे हल्की सी सौंफ, लौंग और काली मिर्च, अदरक के टुकड़े, लहसुन, हरी मिर्च, साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें इस तरह से काटना है, इनको अच्छे से भून लेंगे हम 2 से 4 मिनट के लिए। हल्का सा नमक डालेंगे, प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन होने तक इसे हम भून लेंगे। इस तरह से करने से हमारे सब्जी में कच्चापन नहीं आएगा और सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। यहाँ पे मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो ये कच्चे नहीं रहेंगे। तो देखिए हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर रखा रहने देंगे, थोड़ा ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे इन सब का। तो देखिए अब यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल रख लिया है। अब हम सब्जी बनाएंगे, एक छोटा तेज पत्ता डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, एक चुटकी हींग, अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर छोटा चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, टमाटर को अच्छे से पका लेंगे हम, थोड़ा सा नमक डालेंगे, अब अच्छे से टमाटर को पका लेंगे हम। तो देखिए टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक गया है ये। अब इसके अंदर हम ये पेस्ट डालेंगे, तो इसे हम 2 मिनट और पका लेंगे अच्छे से। तो देखिए दोस्तों इस तरह से सब्जी बनाने से हमारी ग्रेवी में कच्चापन नहीं आएगा, सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। 2 मिनट और पका लेंगे इसे अच्छे से। तो देखिए तैयार है हमारी ग्रेवी बनके, ये देखिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये कटहल, एक कप पानी डालेंगे और 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे हम।
तो देखिए हमारी कटहल की सब्जी लगभग पकने को आई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये कस्तूरी मेथी। दो मिनट और रहने देंगे इसे हम। तो देखिए दोस्तों तैयार है हमारी गर्मा गर्म कटहल की सब्जी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे ये हरा धनिया। तो दोस्तों इस तरह से कटहल की सब्जी बनाइए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी बनी है आपकी सब्जी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, ये हेल्दी भी होती है। तो चलिए मेरे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक छोटा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।